आजकल ऐसा हो गया है ना कि जब ऑफलाइन रहते हैं तब दाल रोटी खाने को मिल जाए, घर वाले खुश रहे, बस इतना ही टेंशन रहता है। और जब ये ऑनलाइन आते हैं तब धर्म, समाज, राजनीति, देश, दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का जो है ना चिंता होने लगता है, हम ही को चिंता होने लगता है। ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा लगभग लगभग हमको लगता है बहुतों लोगों के साथ ऐसा होता होगा, समझे कि नहीं। ये सोशल मीडिया के ज़माना में सही में बहुत टेंशन हो जाता है। ऑफलाइन रहने पे कोई टेंशन नहीं होता है, ऑनलाइन आते ही हजार रंग का टेंशन हो जाता है। दुनिया में एक चीज़ ऐसा है जिसमें औरत हमेशा से आगे रही है, जानते हैं किस चीज़ में? बहस करने में। बाप रे बाप, जितने नहीं देगी कोई कीमत पे नहीं, औकादे नहीं है किसी का कि जो है ना औरत से बहस करने में जीत जाए। हर दिन एक कोई एग्जाम्पल मिल जाता है, हर दिन एक कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए इसी बात पे एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक महिला हॉस्पिटल में जाती है और जाके डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर सर, मेरे पति जो है ना नींद में बहुत बोलते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? डॉक्टर उसको बोलते हैं कि इसे तुम अपने पति को दिन में बोलने का मौका दो। सन्नाटा छा जाता है। और एक चीज़ और देख लीजिए, कल का ही घटना है। कल जा रहे थे बस से एक जगह, तो बस से जब जा रहे थे तो बस में दो को लड़की सीट के लिए आपस में झगड़ा कर रही थी। तो खलासी आ जाता है, खलासी बोलता है कि आप दोनों में से जो बड़ी है वो सीट पे बैठ जाइए, पूरा सफ़र मेरा ख़त्म हो गया, हम उतर गए, लेकिन देखिए वो दोनों लड़की को खड़े के खड़े रह गई। बताइए, कहा कि अगर बैठ जाती जो तो क्या होती, उम्र में बड़ी हो जाती है। लड़की सब जो है ना उम्र छुपाती है, उम्र नहीं बताना चाहती है। तो उम्र मतलब कि हम इससे छोटे रहे, इसके चक्कर में दोनों खड़ी रह गई कि हम छोटे हैं तो हम छोटे हैं। बताइए, हम लड़का सबके साथ ऐसा थोड़े होता कि बोल देता खाली बैठने के लिए तो छोड़ के बैठ जाते हैं। सब उम्र नहीं बताना चाहती है लड़की सब। कल का घटना है, बताइए। उम्र छिपाने के चक्कर में, उम्र कम दिखाने के चक्कर में पूरा रास्ता खड़े होके आई। ऐसा ऐसा बैटरी मेरा ख़त्म हो गया है, बेकार। ये सब का नाम ले रहे हैं।